إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजीज़म तारिक अजीज शेख शब्बीर साहब और यहाँ के इस एरिए के नौजवानों का जिन्होंने काफ़ी मेहनतें करके ये बस सजाई है और उन्हीं की वजह से आप तमाम हज़रात यहाँ दीन की बातें सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को मज़ीद दीन की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मैं जमीयत अहले हदीस मालिकाओं पर शुक्र अदा करना चाहता हूँ और खुसूसी तौर पर अमीर मोहतरम जनाब शकील फैदीन हफ़िज़हुल्लाह और जनाब अरशद मुख्तार साहब वजीर जामे मंसूर मालेगांव यहाँ तशरीफ फरमा है। ये लोग कैसे टाइम निकाल लेते हैं, अल्लाह तबारक ताला इनको इसके लिए जजाए खैर अता फरमाए। बहुत मशहूर लोग जी आपके सामने बैठे हुए हैं, टाइम निकाल करके आपके सामने आए। तो बहरहाल आइए बिला किसी मजीद कमी के हम मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है हुब्बे रसूल। तो मौजू का आगाज हम अल्लामा इकबाल के शेर के साथ करते हैं। अल्लामा कहते हैं, शबे पेशे खुदा बिगरीस तमजार मुसलमाना चेहरा जारन दुखारन शबे पेशे खुदा बिगरीस तमजार मुसलमाना चेहरा सारंग खारंग निदा आमद नमीदानी की कौम दिले दारंग महबूबे नदारंग। अल्लामा फरमाते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के सामने बहुत रोया। शबे पेशे खुदा बिगरीस तमजार अल्लाह के सामने एक रात में बहुत रोया, चारों कतार रोया। मैंने अल्लाह से पूछा कि पूरी दुनिया में मुसलमान आखिर जलीलो खार क्यों है, मुसलमान चेहरा का रंग खार। निदा आवाज आई, नमीदानी की कौम, तुझे मालूम नहीं कि ये मुसलमान इनके पास दिल तो है मगर इस दिल में महबूब नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इस दिल के अंदर। सब है, दिल है महबूब नहीं है। सारी परेशानियों सारी मुसीबतों और सारी बर्बादियों की जड़ यही है कि दिल तो है मगर महबूब नहीं है। इस दिल से नबी निकल चुका है मुकम्मल तौर पर जी। दिले दारंद महबूब न दारंद। तो ये था आगाज इस उन्वान का।
जबकि ये इतनी बड़ी नेकी है। आइए एक हदीस से प्रूव करता हूँ कि ये कितनी बड़ी नेकी है। हदीस हदीस के साथ वान अबी मुस्लिम अल-खौलानी कौल अतैतु मस्जिद दमिश्क फ़इदा हलकतुम मिन कुहूल अस्हाब मुहम्मद फ़इदा हलकतुम फीहा कुहूल मिन अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइदा शाबुन फीहिम अकहलुल ऐन बर्राकुत तनाया كلما اختلف في شيء يرد الى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواه الطبراني في الموجم الكبير امام الطبراني رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی موجم کبیر کے اندر لائے راوی ابو مسلم خولانی वो कहते हैं कि मैं सीरिया की शाम की जामा मस्जिद के अंदर आया दमिश्क की। मैंने देखा कि पूरी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधेड़ उम्र के बूढ़े सहाबे किराम का पूरा एक हलका लगा हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो फैदा हलकतुन फीहा कुहूल मिन असहाब मुहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पूरी एक महफिल है, एक पूरा हलका है। बैठे हुए वईदा शाबुन फीहिम उनमें एक नौजवान है अकहलुल ऐन सुरमती आंखों वाला, जैसे उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ, बर्राक सनाया जिसके दांत चमक रहे, गुटका खा खा करके भी तुम्हारे दांत देखने जैसे नहीं है, ये ऐसे है बर्राक सनाया इनके दांत चमक रहे हैं। कुल्लम अख्तलफू फी शैइन वो सहाबे किराम ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं, वो दीन के मसलों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मसला कैसा, ये मसला कैसा है, इस मसले में शरीयत क्या कहती है। अब जाहिर है कि जब मसाइल आते हैं तो इख्तलाफ फितरी है, तो इख्तलाफ होता। कुल्लम अख्तलफू फी शैइन गुफ्तगु के दौरान, डिस्कशंस के दरमियान जब भी किसी मसले में इख्तलाफ होता, और एक मसले में कुल्लमा इजा नहीं कुल्लमा जब जब यानी जो मसाइल पेश किए जाते उनमें अक्सर में इख्तलाफ होता, और जैसे इख्तलाफ होता भाई इस मसले का हल क्या है, तो यरुद्दू इलल फता एक नौजवान था उस मजलिस में उसी की तरफ उस मसले को रिफर कर देते थे, जनाब आप हल कीजिए, और वो उस मसले को चुटकों में हल कर देता था। मैंने बड़ी हैरत से, जो मेरा कंपेनियन था साथी का, रहन दो भाई रहन दो रहन दो भाई फकुलतुली जलीसी आई टोल्ड माय कंपेनियन जो मेरे साथ था, मैंने उससे कहा मन ना था कोई सी कौन है। तमाम सहाबे किराम मसाइल में जब इख्तलाफ करते हैं तो उसका हल ये नौजवान पेश करता, कौन है कोई सी नहीं जानते हजरत मुआज़ इब्न जबल जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें उठाई। उस वक्त मैंने सुना कि मुआज़ इब्न जबल कह रहे हैं समय पर हदीस बयान कर रहे हैं कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बयान फरमाते सुना है कि अल मुतहाबून फिल्लाह अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले मुसलमान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह के अर्श के साथ, देखिए एक चीज है अल्लाह का अर्श है जिस पर अल्लाह मुस्तवी है, तो अर्श है अर्श का साया है जी अर्श मखलूक है ना, तो अर्श का साया है। अब अर्श के साये में मिंबर लगे हुए हैं, ये तो मिंबर सोफे वगैरह के हैं जिस पर इमाम खड़ा होता है पत्थर उतर का होता है, वो मिंबर है नूर के। आप सोच भी नहीं सकते कि नूर का मिंबर कैसे हो सकता है, एक छोटा सा तस्वूर एक हल्का सा तस्वूर आ सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जब देखेंगे तब पता चलेगा कि नूर का मिंबर ऐसा ऐसा होता है। अला मना देना भी नूर नूर का मिंबर, एक तो अर्श अर्श का साया अर्श रहमान रहमान के अर्श का साया, उस साये के नीचे नूर के मिंबर, और उस नूर के मिंबर पर बैठने वाले लोग कौन है, अल मुतहाबून फिल्लाह
अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, या दो दो तीन तीन महीना अगर साहिबे फिराश हो तो देखने के लिए नहीं आते। क्या ये कौन हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है, कौन हो तुम, तुम मुसलमान हो? अल्मुतहाकूनफिल्लाह, एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, ये नूर के मेंबरों पर होंगे। अल्लाह जिस दिन अल्लाह के साय के अलावा कोई साय नहीं होगा। मुस्लिम की गालिब एक रिवायत है कि एक आदमी चला दूसरे गांव में जा रहा है, इस गांव से उस गांव। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की शक्ल में एक फरिश्ते को भेजा, कहा कि रास्ते में खड़े हो जाओ और उसे पूछो। सब बता दिया अल्लाह ताला, क्या पूछना है, क्या जवाब देना है। मुस्लिम की रिवायत है ज़ार अखल अपने एक भाई से मिलने के लिए जाता है। अब जहां यह फरिश्ता खड़ा हुआ था इंसानी शक्ल में, ये पहुंचे, रोका, ऐन तुरीद, वेयर आर यू गोइंग टू, कहां जा रहा है, ऐन तुरीद, कहां जा रहा है। जवाब दे रहा है, मेरा एक भाई वो जो गांव है अगला वहां है, मैं उसकी इयादत के लिए जा रहा, मिलने के लिए जा रहा हूं उससे। कहा तू मिलने के लिए जा रहा, क्या कोई एहसान उसने तुम पर किया है कि उस एहसान का बोझ उतारने के लिए तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो? बोले नहीं भाई, उसका मेरे ऊपर कोई एहसान उहसान नहीं है, सिर्फ अल्लाह से अल्लाह के लिए मुझे उससे मोहब्बत, और अल्लाह की वजह से, अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत होने की वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तो सुन लो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। ये चीज तो कोई आदि नहीं करना चाह रहा, इतनी बड़ी नेकी, यानी नूर के मेंबरों पर आपको नहीं बैठना है, ये नहीं चाहते कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। चंद शायर इस्लाम लेकर बैठ गए और समझ रहे कि ये पूरा इस्लाम है, कोई कुछ लेकर के बैठा हुआ, कोई कुछ लेकर के बैठा हुआ, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। खाली अल्लाह के लिए उससे मिलने के लिए जा रहे, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के लिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह, चलिए इस हदीस पाक से कुछ मसले आपके सामने पेश कर दूं। इख्तलाफ हो, मसाइल जब सामने आते हैं तो इख्तलाफ फितरी है जी, कुल्लमा करो खुश रही, इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ हो जाए तो हदीस जो जानता हो, मुतखसिस हो हदीस में, उसकी तरफ मामले को रिफर किया जाए। हजरत मुआज़ इब्ने जबल मुतखसिस हैं जी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें उठाई हैं, लिहाजा जब भी मसाइल में इख्तलाफ होता रिफर कर दिया जाता कि मुआज़ इब्ने जबल उन मसाइल को हल फरमाए जी। कुल्लमा इख्तलफु फी शैइन यरुद्दुहु इलल फतह, बड़े आलिम के पास मसाइल को रिफर किया जाए, हर ऐरे गैरे से शरीयत के मसाइल नहीं पूछे जाते हैं। बड़ी टोपी, बड़ा टोपा, बड़े जुब्बे, बड़े कुब्बे, जुब्बों और कुब्बों से कोई आलिम नहीं होता। अब देखिए आप, बड़े बड़े सहाबे कराम हैं, बूढ़े हैं, है? वो पूछ रहे हैं कि भाई इस मसले में आप क्या बोलते हैं, नौजवान से हजरत मालूम नहीं होते। इसमें एक बात मालूम नहीं कि इल्म के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं है, ज्यादा उम्र वाला हो तो ज्यादा इल्म वाला होगा। उसके बाद फजीलत तो मालूम नहीं। आइए दूसरी बात, हदीस हदीस उस तरह وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشام فأتي به يوما فأمره فجلده فأمر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله رواه البخاري في كتاب الحدود حضرت امام البخاري رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحدود میں لایا ہے اور راوی وہی رجل من القوم ہے رجل من القوم یہ راوی کہتے ہیں عمر بن خطاب ہے جن کو آگے کہا گیا رجل من القوم قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ اللہ رضی تیرے اوپر یہ رجل من القوم کون ہے یہ راوی ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी था, काना इस्मु अब्दुल्लाह, उसका नाम अब्दुल्ला था। वो काना युलक्कब हिमार, उनका लकब हिमार था, डंकी गधा। काना युलक्कब हिमार, उनका लकब गधा। ये क्या करते थे? वो काना युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाते बहुत थे, सीधे साधे आदमी थे, हंसाते थे। लेकिन इनकी एक आदत बड़ी खराब थी, ईते थे कई बार किया इन्होंने, और पकड़ करके लाए गए बराबर इनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जा भी फरमा जी। तो एक तरफ वकान युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाते थे, और दूसरा वकान, ये तो अच्छी बात है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद जलदहु शराब, शराब पीने की वजह से इनके ऊपर हज्जा ही फरमाई। एक दफा पिए हुए थे, फौर किए पिए हुए थे, लाओ लाए पकड़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया मारो उसको, पीटा गया। गुस्से में आकर के रजुल मिनल कौम, कौम के एक आदमी ने कहा, ये हुई रजुल मिनल कौम, रजुल मिनल कौम पर वही है हजरत उमर, कहने लगे अल्लाहुम्मा लानहु, अरे लानत हो अल्लाह तेरे ऊपर, मा अक्सर मायू का भी बार बार शराब पीता है और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है, और तेरे ऊपर नबी हज जारी करता, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत। फकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लाने उसको लानत मत करो, फवल्लाह अल्लाह की कसम मालूम, जहां तक मुझे मालूम है इनमें हुई अल्लाह उसके रसूल से अपनी मोहब्बत करती है। देखा ना, यह आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकी, शराब पीता है। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अकीदा है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकी काफिर नहीं होता। और दूसरा नुक्ता यह कि शराब पीने के बाद भी, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद भी, ये शख्स दायरे सहाबी से खारिज नहीं हुआ, अब भी सहाबी है। जी यह है ईमान, यह तौहीद, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तीसरी बात यह मालूम हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ये मतलब नहीं कि उस मोहब्बत में आप अल्लाह का कानून छोड़ दें, ये असल चीज रसूल की मोहब्बत है, लेकिन रसूल की मोहब्बत की वजह से ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अल्लाह का कानून जारी किया जाए। अल्लाह ने शराबी के लिए हद लगाने के लिए कहा, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, मगर रसूल की मोहब्बत के बावजूद हद जारी की जाए। लिहाजा रसूल से हमारी जो मोहब्बत है वो भी अल्लाह ही के लिए, अल्लाह वल्लबी नामन व शद्द हुब्बत नुतैमन व अल्लाह मा अलिम तो इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। हंसाते कैसे थे? मैं तलाश कर रहा था तो हाफिज इब्न अब्दुल बर ने इस्तियाक के अंदर लिखा है, यह हदीस मौजल है, मैं बयान कर देता हूँ हंसाते कैसे थे। लिखा उन्होंने कि ये जब भी कोई अच्छी चीज देखते, मदीना में दाखिल हो रहे हैं, क्या बेच रहा है बोले, अरे बोले प्योर घी है, समन मीन्स घी, सीन मीन्स और क्या है, उधर क्या दिख रहा है, बोले असल है शहद, है शहद हनी तो प्योर है, ला मैं खरीदता हूं, इस तरह खरीद लेते और लाते कह अल्लाह के रसूल आप नोश फरमाए, वो घी लाकर दे देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शहद लाकर दे देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएं। अब वो आदमी आता पैसे, वो चीज ले आए हो घी और शहद, पैसे कहां है, बोले करो, उसका हाथ पकड़ता ये शहद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाता और कहते यार रसूल आते हाथ सा बना पैसा देते हैं, पैसा देते आधे का हाली, अरे तूने मुझे हालिया में दिया, पैसा दे दो, आते हाथ सा बना अल्लाह के रसूल का पैसा, पैसा दे, बोले नहीं सही इंग्लिश है, मेरे पास पैसा है नहीं, आप दे दो, तो नबी को पाया था रसूल सलम बहुत हंसते थे, यार तू खरीद ला था मुझे देता, और जब वो टकाना करते तो पैसा लेने के लिए मुझे पास आ जाते लेकर, तो वका ना युज़हिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा आते आते समझ, यार रसूलुल्लाह पैसा दे दो, तू अभी नहीं दिया पैसा,
तो आप यार दोस्तों मोहब्बत कैसे करते थे आखिर में हमको एक वहां से आते थे मोहब्बत कितनी करते थे वो बताए इसलिए आपने लिखा है वो हदीस में के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई जब पैसा मुझे ही देना है फिर लाते क्यों हो तुम लाते क्यों जब पैसा मुझे देना है कहने लगे अहबब तो अल्लाह के रसूल मुझे अच्छा लगता है कि आपको प्योर चीज आप खाए मुझे अच्छा लगता है अहबब तो अंता कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी चीज खाएं अल्लाह के रसूल आप खाता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है मालिक तो इन खबर अल्लाह उसके सुसमा देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के स्टेज से उसके मुकाम के आइए दूसरी हदीस देखते कि मोहब्बत कितनी की जाए चलिए वही देखिए हदीस हदीस وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه البخاري في كتاب الايمان حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث کو لفظا لفظا ایسے ہی بخاری شریف کی کتاب الايمان میں حرام جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا कि तुम में से कोई ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता जब तक के मैं उसके नजदीक उसके वालिद से उसकी औलाद से बल्कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। अच्छा तो दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। एक चीज और रह गई क्या? तो दुनिया के तमाम लोग एक चीज और रह गई है आदमी की अपनी जात आदमी की फितरत है तबीयत है ये हमेशा अपने नफ्स से ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसके बाद किसी से मोहब्बत करते हैं। सबसे ज्यादा आदमी अपनी जात से मोहब्बत करता है यह कायदा है यह हुक्म तबा है यह तबई मोहब्बत है नेचरली है नेचर है कि आदमी सबसे ज्यादा अपने से मोहब्बत करता है। अच्छा तो क्या अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होना है? जी दलील दलील यह हदीस पर हद्दथना यही इब्न सुलेमान कौल हद्दथनी इब्न वहब कौल أخبرني حيوة قال حدثني أبو أقيل زهرة بن معبد أنه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أقول أحب إليك من نفسي فقال له عمر فإنه الآن والله فإنه الآن والله فقال النبي صلى الله لأنت أحب إلي من كل لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري في كتاب الأيمان والنزول حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الأيمان والنزول بخاری شریف میں لایا حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुन्ना इंदन कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से हजरत उमर का हाथ पकड़ रखा था। देखो हाथ दो तरीके से पकड़ा जाता है लेकिन उसके अलावा और बढ़ा सकते हैं आप। एक तो हाथ पकड़ा जाता है तो इस वजह से कि आदमी कुछ बता रहा है और सामने वाले का हाथ पकड़ रखा है ताकि उसकी पूरी तवज्जो आपकी तरफ मबजूल रहे नजर ही दरूर ना। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरूद सिखा रहे हैं तो उस आदमी का हाथ पकड़ रखा है ताकि दिमाग ही दरूद ना। तो हाथ पकड़ने का एक मतलब ये होता है एक सबब ये होता है कि आदमी की निगाह ही दरूद ना पूरी तवज्जो सुनाने वाले के जानिब रहे। अच्छा और हाथ पकड़ने का दूसरा मतलब होता है प्यार से। जैसे देखा छोटे छोटे बच्चे लोग दोस्त होते थे मकतब हम लोग जाते थे अभी इतने पानी में जाते थे अब तो वहां तो सड़कें बन गई इतने इतने पानी में मकतब जाते थे फिर वो हाथ पकड़ लेता था बस कक्कन बोलना बोलते थे कक्कन बोल लेते थे तो ऐसे पकड़ लेते कूदते कूदते हम लोग जाते थे
वे प्यार से हाथ पकड़ना, ये प्यार से हाथ पकड़े हुए कौन हजरत उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ रखा था, हजरत उमर का हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, प्यार से। ये प्यार देख करके हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल अंत अहब इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला बिन नफ्स, आप दुनिया में हर एक चीज से ज्यादा गैर नसीब पैदा में सिवाय मेरी जान के, जान का एक्सेप्शन क्या हूं कि मेरी जान इस कदर से आदमी थी अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। तो उन्होंने कहा मेरी जान के अलावा दुनिया की तमाम चीजों से आप ज्यादा महबूब हैं। लअंता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी, मेरी जान के अलावा आप दुनिया के हर चीज से ज्यादा मेरे नजदीक महबूब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह वल्लजी नफ्सी बिहि, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी तुम्हारे ईमान मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फौरन हजरत उमर को एहसास हुआ, फौरन कहा कि फैनो अल आन अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा। एक नुक्ता बताता हूं बहुत अजीब सा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये तबई नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तबई मोहब्बत तो एक बाप अपने बेटे से करता है, एक बेटा अपने बाप से करता है, शौहर अपनी बीवी से करता है, ये तबई मोहब्बत है। भाई मेरा है ये, मैं हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं नबी ने फरमाया जी, इसलिए कि तबीयत है वो नेचर, किसी से ज्यादा मोहब्बत करना तो अपने आप से मोहब्बत करना ये नेचर है। ये अल्लाह कह रहा मेरे रसूल से मोहब्बत नेचर से, तुम्हारी तबीयत से ऊंचा उठ करके करनी चाहिए। इस वजह से फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने हजर ने कहा वल मुराद बिल मोहब्बत हुना हुब्बुल इख्तियार ला हुब्बुत तबर, यहां हदीस में मुराद मोहब्बत से ये हुब्बे इख्तियार है, हुब्बे तबा ही है। हुब्बे तबा का मुताबा नहीं है क्या? नहीं, आदमी तबई तौर पर अपने अकरबा से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से तबई तौर पर मोहब्बत करता है, चाहे या ना चाहे तो मोहब्बत करता ही है। लेकिन तबई मोहब्बत से ऊंचा उठ करके नबी से आपको मोहब्बत करना है, क्यों? गहरी बात देखिए उसमें कि भाई बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो उसकी दुनिया बना देता है, लेकिन नबी से मोहब्बत इस वजह से होनी चाहिए कि वो तुम्हारी दुनिया भी बना दे रहा है और तुम्हारी आखिरत भी बना दे रहा है। दुनिया में सिराते मुस्तकीम बता देता है कि जन्नत का रास्ता है, और अगर तुम फंस गए वहां तो तुम्हारी सिफारिश करने वाला हदीस मौजूद है, पढ़ने की जरूरत नहीं, फंस गए वहां तो तुम्हारी सिफारिश भी करने वाला है, और दुनिया में भी तुम्हें बताता है कि ये सिराते मुस्तकीम जन्नत का रास्ता। तुम्हारा बाप तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया बना रहा है, लेकिन रसूल तुम्हारी दुनिया भी बना रहा है कि जीने का सलीका क्या होना चाहिए, और आखिरत भी बना रहा है कि जन्नत में जाने का रास्ता क्या है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक कौन हुआ? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आदमी अब जान आदमी की जात जो है वो बच रही है नबी की वजह से, तो अपनी जात से ज्यादा आदमी नबी से मोहब्बत नहीं करेगा। अगर नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, नबी ने न बताया होता कि जन्नत का रास्ता जहन्नम में चला जाता है, जात का लेकर के क्या करने वाला है, क्या करना है जान लेकर तो ये जान तो जहन्नम में जानी, जात जहन्नम में जाना है। लिहाजा हाफिज़ इब्न हज़र ने सही फरमाया कि यहां मोहब्बत से मुराद तो खुद तबह नहीं है, तो खुद इख्तियार है। इतने बड़े बड़े लोग थे शारहीन हदीस में, कितने अजीब हो गई तो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत से मिलेगा क्या? कोई काम आदमी करता है तो मिलना चाहिए ना, कोई आदमी कोई काम करता है तो उसका अजर होना चाहिए, मिलना चाहिए ना कुछ। तो हम नबी से मोहब्बत कर ले तो मिलेगा क्या? मिलना है। दलील दलील ये हदीस का वन अनस रजी अल्लाह तआला أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما الساعة؟ قال وما لا أدت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت، قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معه بحبهم وان لم اعمل بمثل اعمالي رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت امام البخاري رحمه الله الحديث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لایا رضی اللہ تعالی عنہ میں مالک ہے اور پیار سے دیکھو سب سے پہلے اس حدیث کو بحث کرتے جاننا چاہو گے علماء بیٹھے ہوئے ہیں علماء کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں میں نے تو حضرت انس کو لیا ہے اس سے پہلے تین لوگ اور ہیں بلکہ امام بخاری کو لے کر چار لوگ ہیں یہ روایت ہے بخاری میں سے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ چار آدمی سے بیٹھے ہوئے جی کون ہے اس سے پہلے آخر میں منتہا سند کون ہے آخر میں حضرت انس ہیں حضرت انس سے پہلے کون ہے ثابت بنانی ثابت بنانی سے پہلے کون ہے حماد بن زید اور حماد بن زید سے پہلے کون ہے سلیمان بن ہارون جو امام بخاری کی شاگرد ہے وہ امام بخاری کے استاد ہے تو گویا کہ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سلیمان بن ہارون سے جو ان کے استاد ہیں اور سلیمان بن ہارون روایت کرتے ہیں حضرت حماد بن زید سے اور حماد بن زید روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے گویا کہ یہ روایت کو اور عجیب بات ہے امام بخاری کے فوقات دیکھیے کہ یہ روایت بخاری میں سے یہ حدیث چار راوی ہیں اور یہ حدیث صرف چار ہی جگہ پر بخاری میں صرف چار جگہ پر ہے چار راوی ہے روایت بخاری اور صرف چار ہی جگہ پر یہ ہوا جائے گا چار ہی جگہ پر اور نقطہ دیکھیے آخر میں کون ہے انس علی اس سے پہلے کون ہے ساتھی علی کے بعد کیا حد سے آتا ہے نا علی ب ت س سا ہے اس کے بعد اس سے پہلے کون ہے حماد علی ب ت س جیم ہے اس کے بعد کون آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سین علی ب ت س سین اور اس کے بعد کون ہے میم محمد بن اسماعیل سلیمان بن ہارون کے بعد حماد بن زید کے بعد ثابت ہونا نہیں کے بعد آتا ہے ترتیب دیکھیے یہ ہے امام بخاری کا مقام سمجھتے ہیں امام بخاری کون ہے مقام سمجھتے ہیں بابا کتاب لہن باری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب اور سب سے مستحب کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف اتنے انتظامات ہیں میں اگر بیان کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں علماء کے لیے تھا جی یہ جانتے ہیں سب میں نے صرف ان کے حوالے سے آپ کو بات کو پہنچایا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ مت سر قیامت کب آئے گی سوال غلط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما مادہ حضرت اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے مرنا تو ہے اور انسان آدمی مرا کہ قیامت چالو ہو گئی تو پوچھنے کی ضرورت کیا تو تب مالا آدمی آدمی لایانی سوال سے پہیز کرے یہ تعلیم دی گئی تھی بلا وجہ کا سوال نہ کرے مجھ صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں تھا اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں کیا کہہ رہا ہے ما تشتہی الانفس جو دل چاہیں گے وہ جنت میں ملنے والا ہے کر ایک آدمی میں کھڑا ہو بیٹھا ہو کھڑا ہو کہا مجھ صاحب جو ہے کیا بس کہ سوال کرنا ہے کیا بولے ابھی بولے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا بولے ہاں جنت میں سب کچھ ملے گا بولے سوال ہے کہ میں جنت میں حکا ملے گا کہ نہیں حکا کی بات ہے اب تو کہاں اب تو نہیں پھر حکا حکا کون پیتا ہے وہ حکا کی بات مجھے تو مولوی تھا اس نے کہا حکا تو ملے گا اس نے کہا ہے جو چیز چاہو وہ ملے گا لیکن کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے حکے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے وہ جہنم سے جا کر لانا پڑے گا پتا چل جائے گا حکا پینے کا مطلب کیا ہوگا تو وہ پوچھ رہے ہیں بس تیار کر رہے کیونکہ سوال ہوتا ہے غیر ضروری اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے مادہ عادت کا رہا تمہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھتی ہے موت کب آئے گی موت تو آنی ہی ہے یو ہے تو جائے مرنا ہی ہے تو موت کب آئے گی سوال لایا نہیں مرنا مرنے کے بعد تمہاری تیاری ہے مرنے کے بعد کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے یہ اصل مسئلہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مرو گے کب مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تلاش نہیں تاکہ تیرے پاس خود بھی تیاری نہیں لیکن ایک بات ہے پیدا سے
इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप लोग सवाल कर सकते हैं, तो कोई भी कह सकता है, जो बातिल अकीदे वाले हैं वो बोल सकते हैं कि भाई हम तो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये साहब वही कह रहे हैं कि हमारे पास हम लोगों को कुछ नहीं, लिहाजा हमको ना तो अकीदे की जरूरत है, ना तो हमें नमाजों की जरूरत है, ना हमें और किसी दीनी आमाल करने की जरूरत है। जी एक हदीस से मसला हल नहीं होता, दूसरी हदीस में उसका दूसरा जवाब है। क्या बोलता है वो, अल्लाह के रसूल मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे पास ज्यादा सदका तो खैरात नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे पास कसीर सयाम नहीं है, रोजे नहीं। यानी इसका मतलब पंच वक्त नमाज पढ़ रहा है, ताजी में पढ़ रहा है, नफली नमाजें नहीं पढ़ रहा, फर्ज नमाज नहीं है, अकीदा उसका बराबर है, सब सही है, नकली इबादत नहीं कर पा रहा, ये मतलब है उसका। ये नहीं कि आपके पास अकीदा नहीं होता, नहीं जाएंगे सिर्फ नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, बता रहा हूं रॉन्ग गलत है। तो कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास अमल तो है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह के रसूल और अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूं। नबी ने फरमाया अंत मामन अहबबत, जानते हो फायदा, फायदा बताया गया, तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, उसके साथ होगा। कितनी बड़ी बात, आप लोग नहीं समझ सकते, आप लोग कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, स्कूलों में पढ़े हुए हैं, आपका जहन वहां तक नहीं पहुंचा। हजरत अनस देखिए, ये नबी की यूनिवर्सिटी से फारिग रही, देखो कहां तक दिमाग पहुंचा। कौन रसूल फमा फरहना बिशैइन फरहना रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको नबी की इस बात पर इतनी ज्यादा खुशी हुई कि इस्लाम लाने के बाद इतनी ज्यादा खुशी किसी चीज पर नहीं हुई। फमा फरहना बिशैइन, किसी भी चीज पर हम इतना खुश नहीं हुए जितना के नबी की इस बात पर हमें खुशी मिली। क्या अंत मामन जी, जिससे मोहब्बत करोगे तो उसी के साथ होगे, कितनी बड़ी बात। देखो दिमाग कहां तक पहुंचा, आपका दिमाग नहीं पहुंच सका, इसलिए आपके दिमाग दीनी में नहीं है ना, से जुड़े हुए थे नबी के लोग सभी के बारे में, जब तो दिमाग कहां रखना चाहिए। और आगे फरमा रहे और अना सुन हजरत अनस फरमा रहे बाना उहिब्बु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, व अबा बकर अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, व उमर और उस्मान, क्या समझ में आया, नबी के बाद खलीफा मिला था उसको कौन, नवाब साहब इकराम का अकीदा है हजरत अबू बकर, ये देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं के साथ होऊंगा, बेहुब्बी मेरी मोहब्बत की वजह से उनके साथ। इससे शायही ने हदीस में एक बड़ा नुकता बयान किया है कि बेहुब्बी की याहू से नुकता यह मिला कि आदमी अपने अमलों के वसीले से दुआ कर सकता है, मतलब दुआ करें कि मेरे रब मुझे ये तकलीफ है, मैंने ये अमल किया है, मेरे रब अगर वो अमल तेरी निगाह में मकबूल है महबूब है तो मैं उस अमल के वसीले से दुआ करता हूं, मेरे रब मेरी ये मुसीबत दूर कर दे। जी आदमी अपने अमलों के वसीले से दुआ मांग सकता है, बेहुब्बी की याहू अपने अमल के वसीले से आदमी मोहब्बत की वजह से आदमी हजरत अनस कह रहे हैं कि मैं उनके साथ रहूंगा। वइल्लम आमल बिमिस्ले अमाली, ये दुखता है कि अगरचे मैंने अबू बकर जैसे अमल नहीं किए, नबी जैसे अमल नहीं किए है, अब उमर जैसे अमल नहीं किए, पता ये चला कि एक है अक्ल और एक है फज्ल। अल्लाह मुबारक व तआला एक ग्रेड वालों को बी ग्रेड नहीं देगा, एक ग्रेड वालों को बी ग्रेड नहीं देगा, इसलिए कि याद उनके खिलाफ है जी। लेकिन बी ग्रेड वालों को अगर एक ग्रेड दे तो उसका सब ले दादा कहते कि अगर जब मैं उस वैसे अमल कर रहा हूं नबी के अमल है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे अमल कुछ जैसे हैं जैसे अबू बकर के हैं, अबू बकर के अमल हजरत उमर के अमल कैसे, नबी के अमल कैसे, लेकिन उनसे मोहब्बत की वजह से अगर चे आमाल में मैं उनसे कम,
लेकिन उन्हीं के साथ रहना था। यानी अल्लाह इस मोहब्बत की वजह से अंता मामना उनके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अगर मैं बी ग्रेड या सी ग्रेड में भी हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मुझे ए ग्रेड दे देगा, उनके साथ कर देगा। यह है मोहब्बत का फायदा, अंता मामन अहबबत, तू उसके साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। ये हदीस देखें, अभी बहुत ही प्यारी हदीस है कि आदमी ये कहता है कि मुझे रसूल से मोहब्बत है, क्या कहना काफी? इजहार मोहब्बत या इकरार मोहब्बत काफी है? आइए हदीस बात आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहत जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूल अल्लाह वल्लाह इन्नक ला हक इलैया मिन नफ्सी व इन्नक وأحب وإنك لا أحب إلي وإنك لا أحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ولا فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الطبراني في المعجم الصغير. حضرت إمام الطبراني رحمه الله اس حديث کو ایسے ہی طبراني میں کتاب المعجم الصغير کے اندر اس طریقے سے اس حدیث کو لایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت کا اظہار دے کر, کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ایک نفس ہیں, اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں دو, اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری اولاد میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. سب سے زیادہ میری جان سے زیادہ میں آپ سے ملنے کو پسند کروں گا, لیکن اے اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. وہیں لاکھوں کی بیت جب میں گھر میں ہوتا ہوں فاذکر کا آپ کی یاد آتی ہے تو فما اصبر مجھے صبر نہیں ہوتا حتی آتی ہے فانظر الی, یہاں تک کہ میں بھاگ کر کے آؤں اور آپ کا دیدار کر لوں تو میرے دل کو سکون مل جائے. اللہ کتنی محبت کر بھائی, میں نے کہا نہیں اللہ میرے پال میں صحیح کہا کہ شبہ پیش خدا دگریس تنظار مسلمان چرا سارن بخارن ندا آمد نمیدانی کہ یہ قوم دل دارن تو محبوب ندارن, دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. جی یہ دیکھو یہ بول رہا ہے اللہ کے رسول آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا جب تک کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا دیدار کر لوں تو مجھے صبر آتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جب اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. دیکھو صاحب تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے, جی پر آپ کو موت آ چکی ہے. جی جب میں یاد کرتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو, وہی جاتا کر تو موت ہو وہ موت تک جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو روفی تمام نبی جنت میں تو اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے نبیوں کے ساتھ. وہ انی کا دخل کچھ جنت آپ ایک گریڈ میں چلے جائیں گے وہ انی کا دخل کچھ جنت اور جب دیکھو کیا بول رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا تھا جنت میں داخل ہوں گے, بول رہا ہے جنت میں داخل ہوں گا. وہ انی کا جب میں جنت میں داخل ایسا نہیں کہہ رہا میں جنت میں ہوں گا, یقین ہے دیکھو. یعنی اگر آپ رسول سے محبت کر رہے ہیں رسول کے طریقے پر چل رہے ہیں یقین کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں. جی اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خوشی کو اللہ آ رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا, آپ تو اے گریڈ میں رہیں گے مجھے بی سی میں ہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا. پتا یہ چلا کہ نبی جب تک اللہ نہ بولے تب تک بولتا نہیں. جی تمام اس کی اللہ کا حکم ہوتا ہے, نبی کی کسی بات کو لائک نہیں لیا جا سکتا, وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. صحیح حدیث آ جائے تو اس کا انکار اللہ تبارک بتا رہا کہ قوم کا انکار ہوتا ہے, نبی اس وقت پر نہیں بولتا جب تک اللہ نہ بولے. دیکھیے سوال کیا اس نے کہ جب آپ اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں گے تو سیکریٹ پر ہوگا, آپ کو دیکھوں گا کیسے, یہاں تو دنیا ہے یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے, لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے ایک گریڈ میں تو سیکریٹ پر کیسے دیکھوں گا, ہم تو ایسے ہی ہوں کیسے آپ کو دیکھ سکتے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش.
रब ने कहा मेरा नबी ने जवाब दे रहा है, मैं जवाब देता हूँ। नजर जिब्रील मिला दिया, हजरत जिब्राइल आयत लेकर के नाज़िल होते हैं, इसका जवाब देने के लिए अल्लाह जवाब देता है। क्या وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो नबियों के साथ होगा। दूसरा बात खत्म हो गई, जवाब मिल गया कि अगर तुम अल्लाह उसके इताअत करोगे तो अल्लाह के रसूल के साथ अगर आपको रहना है और उनको बराबर देखना है, उनका दीदार करना है, तो नबी की इताअत करनी होगी, जिंदगी को रसूल के तरीके के मुताबिक गुजारना होगा, अपनी मनमानी नहीं। जी अपनी मनमानी करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? रसूल तो बताएंगे जी अल्लाह। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है जाते रीजंस क्या होते? तीन ही रीजंस होते, जमाल कमाल नवाब। जमाल कमाल नवाब पैसा नवाब आती है। अब इस नाहिए से हम लोग जमाल मोहब्बत कराए थे हमारे नाम जी दलील दलील وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ هلال وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه إلى القمر قال فلهو كان أحسن في عيني من القمر رواه الدارمي دارمي يلبيت سيد رواه جابر بن سمرة جابر بن سمرة कहते हैं कि في ليلة إذ هلال चांदनी रात में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रात चांदनी हो और अल्लाह का हबीब हो, मुसलमान के दिल की धड़कन हो, मेरे दिल की धड़कन तो दिल की धड़कन बना तो कामयाब हो, ये धड़कन खत्म हो गई उसके नाम के साथ, जूते खाओ हो जूते कहा रहे हो दिले दर महबूब नजर, दिल तो है मगर महबूब नहीं है। महबूब चांदनी रात में नबी को देखा और आपने सुख जोड़ा पहन रखा है, लाल कपड़ा पहन सकते हैं ये बारे खुल कर हम रहा हूं आपके जिस्म मुबारक के ऊपर लाल कपड़ा सुख जोड़े बहन सुख जोड़ा खुल कर हम रहा कह रहे कि मैं कभी चांद की तरफ देखता बदरे कामिल की तरफ फिर मून की तरफ और कभी नबी की तरफ बजाय कि अब सुख भी नहीं भाई जल कमल कभी आपकी तरफ देखता तो कभी नबी की तरफ फैसला नहीं कर पा रहा था कि तो खूबसूरत कौन होना था। कहते हैं आखिर में फैसला किया दिल में जब महबूब तो फैसला यही होता है ना, कहने लगे मैंने ये पाया मेरी निगाह में, वो कह रहे मेरी निगाह में, मैं नहीं जानता जो गालियां देते हैं उनकी निगाह। अच्छा एक बात बताऊ, निगाहें अलग अलग होती है। कहानी है हदीस नहीं है, वो रूमी है मेरे नाम मेरे हम नाम है अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, बहुत बड़ा आदमी था। अगर तसव्वुफ में ना जाता हदीस के ऊपर अगर जरा नजर होती तो काफी आदमी बड़े बड़े इलाकिया के मसले को चुटकियों में हल करता है, ये तकदीर के मसले को हल करता है। कहता है आदमी कहता है मैं मजबूर हूँ चोरी करता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से करता है। कहता है कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता बताता तकदीर का मसला, कुत्ते को पत्थर उठाकर मारो बैठा हुआ है, चोट किसने पहुंचाई उसको? पत्थर ने ना, तो पत्थर लगाना उसको, चोट किसने पहुंचाई? पत्थर ने है? लेकिन दौड़ता किसकी तरफ है? इंसान की तरफ दौड़ता है, इसलिए कि कुत्ते को मार लिया तो पत्थर मजबूर है इंसान मुख्तार है। तो ये मसले में हल करता है, चुटकियों में हल करता है मसले का। हाँ सूफी बहुत बड़ा सूफी है। बहर एक कहानी है, कहती है एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आगे बढ़े तो अबू जहल आया, रुको हिम्मत रुको, तू इतना बदसूरत है कि दुनिया में तुझसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। कौन बोलो? अबू जहल इसको नबी को। नबी ने कहा सदक सच कह रहा। क्या कर रहे उधर से हजरत अबू बकर आ रहे हैं, काफी अल्लाह को सब क्या लग रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह की कसम पूरी दुनिया जमीन पर आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। कहते सदक सही बात सच कह रहा।
अलग अलग सवाल अलग अलग जवाब आते थे, लेकिन सदा जवाब एक ही सवाल कहा कि असल में मैं आईना हूँ। आईना अबू जहल को उस आईने में अपनी सूरत नजर आई, इसलिए दुनिया का सबसे बदसूरत गंदा, और अबू बकर को अपनी सूरत नजर आई थी मेरे बाप भी कभी कभी रहता है। बड़ी बात कही है कहानी, कितनी बड़ी बात कही है। तो नबी को जो लोग बुरा भला कह रहे जानते हो, उसको गुरु वही है, गुरु वही है। कोई अगर नबी को बुरा कहे क्या बोलोगे, नबी को बुरा कह रहा है तो मेरा नबी को आईना है, मुझे अपनी सूरत दिख रही क्या, तो ऐसा है। जितना बुरा कहते उतना बुरा है, उतना बुरा है जो नबी को बुरा कहे, जितना बुरा कहते हो उतना बुरा है। तो हजरत जानी में समरा कह रहे हैं कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि खूबसूरत कौन आ रहा है, तो दिल ने फैसला किया। अहसन फी आईनी, मेरे दिल ने मेरी आंखों ने फैसला किया कि आप सबसे ज्यादा अहसन मिन कमर, आप कमर चांद से ज्यादा जी अल्लाह। तो ये तो खूबसूरती, अगर रीजन ये है लव का कि मोहब्बत का अगर एक रीजन जमाल है तो जमाल मौजूद है। हाँ नवाल देखना पैसा ये मेरी मिसाल तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे बाप बेटे के लिए होता है, तुम सब मेरे बेटे हो और बाप का एहसान बेटे के ऊपर। अगर बेटे को बाप की किडनी की जरूरत पड़ जाए, बेटा निकाल कर दे दो, कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब्बा को क्या समझना चाहिए, अब्बा को क्या समझ, अम्मी को क्या समझ, अब्बा को क्या समझना, अम्मी को क्या समझ। इस बात को उंगली पकड़ कर रात रात तक तेरे लिए चाह रहा हूं, अब्बा को क्या समझ, अब्बा को क्या समझ, अम्मी को क्या समझ। देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्नमा अना लकुम मिसलुल वालिदी वलदी, तुम मेरे बेटों की तरह हो और औरों की तुम मेरी बेटियों की तरह हो। जैसे बाप थोड़ी थोड़ी मामूली मामूली चीजें सिखाता है, नबी ने फरमाया वालिदी को मैं तुम्हें तालीम देता हूँ, क्या इदा अतैतुम गालिब, जब तुम बाथरूम के लिए आओ तो किबले की तरफ ना तो मुंह करो ना पीठ करो, इतनी मामूली चीज सिखाता है। बाथरूम का तरीका होता है और अगर पत्थर से इस्तिंजा कर रहे हो तो तीन ढेर ले लो ताकि मुकम्मल पेशाब बाथरूम साफ हो जाए। पहले वो सिर्फ पेशाबी से पेशाब साफ करने के लिए पत्थर इस्तेमाल होता था, वो बाथरूम भी उसी से साफ करते, पानी ना इतना था। हम मेरी पर घस लगवा मारे तुम्हें समझ लो ना, हाँ मेरी पर अगर झिझक लेते तो हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर बिकले पति हजार की पत्थर ले लो, आज समझ लो इस्लाम में सफाई कितनी अहमियत है। तुम हमारे ऊपर इतराज करते हो, खड़े होकर मुंह पीते हो, खड़े होकर के पेशाब कर देते हो और कहते हो कि इस्लाम गंदा मसला है। तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इस तिंजे को गंदगी को इस तरह साफ, तीन चीज पत्थर ले लो जी ये है तहारत का तरीका। और इमाम इब्न माजह इस हदीस को किताब तहारत में लाया। और मुर्दों का एहतराम का हड्डी से इस्तिंजा मत करो, अल्लाह हू अकबर। हमारे यहाँ तो जिंदों है मुर्दों का एहतराम, क्या मजहब है ये, क्या रिलीजन है, हड्डी से तो ये नहीं है कि जिस बजाय मुस्लिम की हड्डी है मुसलमान की हड्डी है। मना है यानी रोक पर गोबर से आप इस्तिंजा नहीं कर सकते, आप हड्डी से इस्तिंजा नहीं कर सकते। मना है अन यस्तक
तकलीफ पड़ रहा जुनूबी यमीन, तुमको किसी से भी कोई भी हाथ इस्तेमाल कर लेते हो इस्तिंजे के लिए, बलैक नहीं, दाहिना हाथ बाएं हाथ से बेहतर है, लिहाजा इस्तिंजे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ इस्तेमाल करो दाहिना हाथ। ये कौन बताता है? ये छोटी छोटी चीजें बाप बताता है। तो अब बाप से ज्यादा कौन कुर्बानी देने वाला था बच्चे के लिए? तो इस एतबार से भी अगर देखा जाए नवाज का तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए क्या बाप है जी। और अगर कमाल देखना है, कमाल देखो, कमाल देख करके हबीब करता है, हबीब देख के खत्म करता है जी। अल्लाह शेख मोहतरम को जजाए खैर दे। काश कि वक्त कोई रबड़ होता तो इनके लिए उसे मैं खींच के आज बढ़ा देता, लेकिन अल्लाह ताला जजाए खैर दे, बड़े अहमाम के साथ आपने इनकी बातें सुनी हैं। सदर मोहतरम ने भी पूरी दिलचस्पी ली और मैंने बात कही थी कि इनके हर हर जुमले को आपको बगौर सुनना ही पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला शेख के इल्म में बरकत दे, इनके उसलूब में और इनके इल्म में मज़ीद बरकत अदा फरमाए। अब मैं अपने सदर मोहतरम को आपके रूबरू करना चाहता हूँ। शेख भी इस मैदान के बहुत बड़े शहसवार हैं, आप भी सामयन के दिलों में उतर कर बात करना जानते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिन जिन लोगों को आज हमने मदऊ किया है ये वाकई बड़े महंगे हैं, बड़े मसरूफ हैं।
लेकिन आपके लिए उन्होंने वक्त निकाला है और आपने भी बड़ी मोहब्बतों से हमें नवाजा है। हमारी कोई कुर्सी खाली नहीं है, इससे हमारा दिल भर गया है। आपने हमारी कुर्सियाँ भरी हैं, इंतजामिया का दिल खुशी से भर गया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में आप आएंगे। हमें मस्तूरात के बारे में इल्म नहीं है कि वहाँ कितनी तादाद है, लेकिन यहाँ की तादाद देख कर हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बल्कि निहाल हैं। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों के ज़ौक़ो शौक़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए।